वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बीएससी सेकंड ईयर का पेपर सेकंड यूनिट सेकंड हमारी चल रही थी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है लंग्स का और कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया है लंग्स का। ठीक है, हमें पता है जो लंग्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ ही लंग्स का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, और अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है तो लंग्स का वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एयर जो है बॉडी के अंदर या बोलो लंग्स के अंदर किसके थ्रू आती है, ट्रेकिया के थ्रू या बोलो विंड पाइप के थ्रू एयर जो है एंटर करती है। ठीक है, फर्दर ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में। लेफ्ट ब्रोंकस जो है बॉडी के लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है और राइट ब्रोंकस जो है राइट पार्ट में जो है एयर को फर्दर पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये लंग्स जो है कवर रहते हैं एक तरीके से या सराउंडर रहते हैं आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा से। अब ये प्लूरा का फंक्शन क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्लूरल फ्लूड प्रेजेंट रहता है जो कि एक तरीके से फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। जब जो लंग्स है एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी भी तरीके की कोई फ्रिक्शन ना हो वहाँ पर, तो वो जो प्लूरल फ्लूड है वो उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे प्रेजेंट है कार्डिया नोच। ठीक है, हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, कार्डियक सिस्टम पढ़ा था, तब हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फर्दर जो ये ब्रोंकस है ये डिवाइड करता रहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रांच जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रखा है। तो ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स इस तरीके से डिवाइड करता रहता है। ठीक है, एंड में जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, और ब्रोंक्यूल्स का जो एंड है वो टाइनी सैक के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हमने नाम दिया एल्वियोलाई। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये क्या है, एल्वियोलाई, जिसको हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया है तो किस इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, जो हम गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं वो सारा का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ इसका जो है सारा प्रोसेस हो रहा है। इसको फर्दर अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या है, ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का। एल्वियोलाई जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दे रहा है यहाँ पे ब्लड में, और जो ब्लड है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस चला जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का, इसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है डायफ्राम, कार्डिक नोच हमने देख लिया था, द ब्रोंकियोस एंड इन टाइनी एयर सैक्स कॉल एल्वियोलाई, जिसकी हमने अभी बात करी थी। ब्रोंकियोस का जो एंड है टाइनी सैक के रूप में होता है, ठीक है, जिसको हमने बोला एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर वेयर गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ होता है, एल्वियोलाई के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो वापस चली जाती है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वापस से ट्रांसफ़र हो जा रही है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरीके से जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एल्वियोलाई होता है उसने कुछ एडेप्टेशन की होती है जिसकी वजह से वो कैपेबल हो पाता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम रेट से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एडेप्टेशन हमने डिस्कस करी हैं एल्वियोलाई की। पहला है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मीन्स दैट द लंग्स हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया। जो एल्वियोलाई होती है वो मिलियंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, लंग्स के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम हो सकता है वहाँ पे। दूसरा है, द एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल सो द डिफ्यूजन पाथ इज़ वेरी शॉर्ट। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम हो पाएगा बहुत ही कम टाइम के अंदर। थर्ड आता है, एल्वियोलाई हैव वेरी गुड ब्लड सप्लाई। एल्वियोलाई के पास में जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम हो पाता है। ये कुछ एडेप्टेशन यहाँ पे हमने पढ़ी एल्वियोलाई के बारे में।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है और हर एक गैस का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है. अगर बात करें ऑक्सीजन की तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 21%. N2 की बात करें नाइट्रोजन की तो उसका अमाउंट है 78%, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका होता है 0.04%, ठीक है. इस तरीके से इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है अलग अलग होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है. तो ये जो अमाउंट प्रेजेंट है इससे हमने एक अमाउंट फाइंड किया जिसको हमने बोला टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम बोल सकते हैं टोटल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द गैसेस. ये जो प्रेशर हमें मिला है ये सारी गैसेस का इंक्लूड है इसमें, ठीक है. अब ये अमाउंट हमें कितना मिला है, 760 mmHg. ये जो प्रेशर हमें मिला है, इस प्रेशर के अंदर सारी की सारी गैसेस का पार्शियल प्रेशर इंक्लूड है, तब जाकर ये प्रेशर मिला है हमें 760 mmHg. अब इस प्रेशर में ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, या हम बोले ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, या N2 का कितना पार्शियल प्रेशर है, वो हम फाइंड आउट करेंगे किससे, कि इसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो टोटल अमाउंट है कितना है, 760 mmHg, ठीक है. हमें पता है ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, 21 अपॉन 100, ठीक है. इससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है. पार्शियल प्रेशर की हम बात करें, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये आएगा 159.6 mmHg के करीब, ठीक है. तो इससे हमें मिल गया जो कि पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है. तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर वो आता है 159.6 mmHg, ठीक है. अब हम बात करते हैं N2 की, N2 का अमाउंट कितना है, 760 × 78/100, ठीक है. तो इसका जो अमाउंट आता है वो आता है 600 mmHg, ठीक है. तो ये है पार्शियल प्रेशर किसका, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 760 है टोटल, इनटू में हमने किया 0.04/100, इसका आता है लगभग 0.3 mmHg. तो ये पार्शियल प्रेशर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ठीक है. तो ये हमने सबके पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं. ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, 159.6 mmHg, नाइट्रोजन का है 600 mmHg, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3 mmHg, ठीक है. तो ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर है सबके, ठीक है. अब इससे हम फर्दर स्टडी करेंगे, ये आप साथ ही साथ में नोट कर लीजिए. नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, ठीक है, जहाँ पे हमने शो किया है कि कौन से गैस का कितना प्रेशर है, या पार्शियल प्रेशर हम बोलें, ठीक है, कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ दो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है. ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है. हमें पता है कि जो डिफ्यूज़न प्रोसेस कैसे होता है, ग्रेडियंट बेस्ड होता है, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाता है, ठीक है. और जो गैसेस का एक्सचेंज है ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी साइट पे होता है, एल्वियोलाई में, ठीक है. एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, मतलब वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है. और कैसा होगा, ग्रेडियंट बेस्ड होगा, मतलब हायर से लोअर होगा. तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या हम बोलें कि उसका प्रेशर कितना है ये पता लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो तभी हमें क्या है कि यहाँ पे प्रेशर हमने यहाँ पे जो है कंसीडर किया हुआ है, सिर्फ दो गैसेस को हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि दो गैसेज जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ठीक है. ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, या हम बोले पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में,
प्रेशर कितना है एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का, ठीक है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन का जो है प्रेशर है, या हम बात करें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, जो टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि जो गैसेस है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी या किस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आपको लर्न करना है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई है, ये पार्शियल प्रेशर कैसे आया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो 760 mmHg है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, या हम बोले कि जो टोटल कितना, अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, एटमोस्फेरिक को अगर टोटल गैसेस को हम कंसिडर करें तो कितना प्रेशर मिला था, 760 mmHg। और पार्शियल प्रेशर क्या है, इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है उस प्रेशर के अंदर, यानी हम बात करें कि ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है उसका कंट्रीब्यूशन, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो कितना निकलता है, 159.6 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर, 0.3, ठीक है, mmHg, ठीक है, जो यूनिट हम यूज़ करते हैं। तो ये जो टेबल है ये आप बना लीजिए। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड मेम्ब्रेन डिसाइड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सोल्युबिलिटी जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफ्यूजन के अंदर। कहने का मतलब जिसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। जैसे CO2 है, ठीक है, उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है। अगर बात करें तो 22-25% ज़्यादा होता है ऑक्सीजन CO2 का सोल्युबिलिटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्यूज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा जल्दी हो जाता है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफ्यूज़न के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है एल्वोलाई और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्वोलाई है, पास से इसके गुजरी है कैपिलरी। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जो एल्वोलाई है वो सिंगल सेल से बना होता है, इसका जो वॉल है वो थिन होता है, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। ये है कैपिलरी, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एल्वोलाई और जो कैपिलरी है इसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस किया। अभी जो हमने टेबल डिस्कस की थी उसमें हमने पार्शियल प्रेशर जो है वो देखा था कि कौन सी जगह कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का। हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का वो अलग है, एल्वोलाई में अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अलग है, ऑक्सीजनेटेड में अलग है, टिश्यू में अलग है, ठीक है। तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वो अभी आपको जो है यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है। हमने डिस्कस किया था जो एल्वोलाई है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg। PO2 का मतलब हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mmHg पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। वहीं पे जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना है, 40 mmHg, ठीक है। तो ये जो 104 mmHg है, 40 mmHg है, ये एक दो यूनिट ऊपर नीचे हो सकता है, किसी बुक में आपको 106 या 107 दिया रहता है, ठीक है। तो ये हमने एवरेज वैल्यू यहाँ पे ली है, ठीक है। तो 104 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वोलाई के अंदर हम जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे ये जो है कैपिलरी, यहाँ पे अभी तक कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने ये देखा था कि कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और कितना पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हमने डिस्कस किया था 40 mmHg। और वहीं पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के कितना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 45 mmHg। तो आप यहाँ पे देखिए कि पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो गैसेस है कहाँ से हायर से लोअर ग्रेडियंट की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वहीं पे पार्शियल प्रेशर जो है एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, कैपिलरी से कहाँ मूव करेगी, एल्वोलाई में, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg ऑक्सीजन का,
और वहाँ पे ये कैपिलरी के अंदर कितना है 40 mmHg, मतलब बहुत कम है, एल्वेलाई में ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन कहाँ से काम करेगी, एल्वेलाई से कैपिलरी के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वेलाई में चला गया और ऑक्सीजन क्या है, एल्वेलाई से कैपिलरी के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, जो प्रेशर है वो चेंज हो गया। अब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 95 mmHg, ठीक है, 95 mmHg हो गया। और जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो गया 40 mmHg, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में। हमने पढ़ा था कि हायर ग्रेडिएंट से लोअर ग्रेडिएंट की तरफ जो है गैसेस मूव करती है, ठीक है। तो वो ये जो डिफ्यूज़न है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हायर से लोअर की तरफ जो है गैसेस मूव कर रही है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन स्टे ट्यून, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।